ज्योतिष आचार्य जी, 8 मार्च को महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि से पहले किन वस्तुओं का मिलना सौभाग्य की बात होती है? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। 2024 8 मार्च को शिवरात्रि का व्रत पूरे देश में मनाया जाएगा। फागुन महीना जो ही प्रवेश करता है त्यों ही शंकर का नाम आता है, शंकर जी की पूजा होती है। यदि शिवरात्रि के पहले पूजा के दरमियान में यदि पंचमुखी बेलपत्र मिल जाए अभी से लेकर के शिवरात्रि के बीच में, यानी शिवरात्रि जो 8 मार्च को होने जा रहा है उससे पहले यदि पंचमुखी बेलपत्र मिल जाए या पंचमुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो समझ जाइए आपका यह पूरा वर्ष सौभाग्य के साथ व्यतीत होगा। यदि मिल जाए तो करना क्या है, उस बेलपत्र को शंकर जी के ऊपर चढ़ाना है, अर्पण करना है और पंचमुखी रुद्राक्ष भी शंकर जी के ऊपर अर्पण करके यदि उसको आप रुद्राक्ष को धारण करते हैं और बेलपत्र को अपने तिजोरी में रखते हैं या अपने घर में रखते हैं, पूजा स्थान में रखते हैं, तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा का घर में संचार होगा और धन की वृद्धि होगी। यदि बेलपत्र को आप तिजोरी में रखते हैं तो वह तिजोरी कभी आपका खाली नहीं होने वाला है, आपके घर में शांति और खुशहाली बनी रहेगी, पूरे परिवार का मन शांत रहेगा और यदि स्वप्न में शंकर भगवान का दर्शन हो जाए या काला नाग दिख जाए तो आप समझ जाइए कि आपका भाग्योदय होने वाला है।